गुड इवनिंग फ्रेंड, देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर हमारे प्लॉट पे, देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट पड़ा हुआ है। ये पूरी जमीन ऐसी पड़ी है, अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। और ये है ना, यहाँ पूरी ये इन्हीं की जमीन है। तो कोई हमने है ना 10 साल पहले प्लॉट लिया था, जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये इसके पास ही प्लॉट था। तो अब इसमें है ना नहीं, इतने सालों से पड़ा हुआ है। देखो अभी तो हम बेचेंगे इसको तो बहुत कौड़ियों के दाम जाएगा, क्योंकि हमको जब जरूरत रहती है पैसे की तब ये चीजें है ना बहुत सस्ते में जाती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, झूम करके दिखाती हूँ, एक घर ये बना है और ऐसे करके उधर दूर कॉलोनी बनी है, फार्म हाउस है यहाँ पर, सब पूरे फार्म हाउस है, आप देख सकते हैं बाउंड्री। और कुछ रोड पे बने हैं मकान, वहां पर ये फार्म हाउस है, फार्मर लगा है वो क्या ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं लाइट के लिए। तो कई सालों पहले ये लिया, बताइए अब ऐसे ही पड़ा है। तो बहुत गुस्सा भी आती है कभी कभी के यार हमने गलत जगह पैसा फंसा दिया है, इसलिए सोच समझ के पैसा फंसाना चाहिए। ये चीज़ यदि हम कहीं और ले लेते ना, तो अभी 10 साल में हमारे यहाँ इतना रेट बढ़ गया। 2013 में हमने ये लिया था, तो मतलब हमको 3000 रुपये स्क्वायर फिट से हम आदि हमारे एरिया में लेते। ये थोड़ा हमारे घर से दूर है, 10-12 किलोमीटर दूर है, 10-12 होगा ये, क्यों कित है 5 यार, 5 तो नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो, 10-15 हो, तो 10-15 किलोमीटर है ये देखो। तो हम लोग उधर लेते तो हम है ना इसके कम से कम 25-30 लाख रुपए गिन लेते इसके अभी, बट क्या करें अब है ना मजबूरी रहती है इंसान की, ले लिया था उस समय हमने। अब हो सकता हमारे भाग में यही लिखा हो, हमने 2 प्लॉट लिया, हमारे दोनों नहीं आए। और जो अभी हम रह रहे हैं वो हमारे मतलब ससुराल का था, थोड़ा सा हिस्सा हमको मिला था तो उसमें से हमने बना लिया था, हमने खुद ही बनाया वो वाला मकान भी। तो किसी किसी किस्मत में नहीं होता जमीन, अब देखते हैं आगे बच्चे के भविष्य में क्या है, उसका कैसा क्या हो पाता है, बाकी ये देखते हैं हम लोग। यदि कुछ होता है यहाँ तो निकाल लेंगे। ये क्या इनके पास बहुत जमीन है तो कुछ करते नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। बोलते हैं ना जिनके पास ज्यादा पैसा रहता तो वो जमीन ऐसे ही पटक देते हैं। मतलब आप देखो आपको दी पूरा जंगल टाइप का खड़ा हुआ है, बताओ ये जंगल टाइप का, ये छोटे छोटे रोड, बेचारा वो किसी ने बनवाया था ये घर हमारे सामने, तो वो भी रहने नहीं आ पाए, ऐसे ही खंडर हो रहा है। अभी वो लोग किराए से रह रहे हैं, पहले तो लोग आप आ जाइए अच्छा रहेगा, यहाँ पे सब बढ़िया रहेगा, फिर बाद में इनकी असलियत पता चलती है। आप उलझ गए तो एक बार तो फिर आप सुलझ भी नहीं सकते ना इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों का तो यही काम रहता है कुछ भी मतलब झूठ बोल के हम ये रोड नाली देंगे, कुछ नाली नहीं देते। ये देखिए यहाँ से रोड था तो ये इनने बाउंड्री खींच के रखी है, ये अपना फायदा देख रहा है। ये घास है ना ये लोग बेच देते हैं, अभी घास अंडर में ही जमीन है तो ये बेच देते। हम लोगों को फेंसिंग कराना है, ऐसी फेंसिंग कराएंगे हम लोग, पर है ना मेरे हस्बैंड से कब से बोल रही फेंसिंग करा लो और बोर्ड लगा लो तो उससे सही रहता है। देखिए है ना प्रॉपर्टी का मामला है, कि किसी की नीयत है ना बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं घर पे।